बरसात के मौसम में शुद्ध देसी अनारसा घर पे बनाए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी, थोड़े से सामग्री में बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो जाती है। बरसात का मौसम है और इस बारिश के मौसम में देखिए फूल बहुत ही बढ़िया खिला हुआ है, और इस बरसात में सभी रेसिपी हम बनाते हैं खाते हैं, तो आज कुछ अलग रेसिपी खाने का मन है मीठा मीठा, तो चलिए हम बनाते हैं। आज हम बनाएंगे अनारसा। तो अनारसा बनाने के लिए लगभग 4-5 दिन लग जाता है, आज ही नहीं बनेगा, आज से हम स्टार्ट करेंगे तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन लग सकता है, उतने में ही अनारसा तैयार होता है। अनारसा जब भी बनाएं झटपट बनाएंगे तो बन तो जाती है पर खाने में वो अच्छा नहीं लगता है और बाजार जैसा नहीं लगता है, तो थोड़ा सा चिटका जैसा रहता है, एकदम चिकना चिकना नहीं बन पाता है। तुरंत बनाएंगे 1-2 दिन में अगर बनाएंगे तो एकदम चिकना चिकना नहीं बनेगा, थोड़ा सा उसमें कमी रह जाती है। तो आज हम जिस तरह से बाजार में बना के बेचते हैं उस तरीके से बनाएंगे, तो हम चलते हैं। तो दोस्तों अनारसा जब भी बनाना हो तब आप इस तरह का चावल लें, थोड़ा सा मोटा हो, पुराना चावल हो, नया चावल हो, पतला चावल ना हो, तो थोड़े चावल में अनारसा ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए जो पुराना और मोटा चावल है अनारसे के लिए एकदम परफेक्ट होता है, जो हम हमेशा यूज करते हैं, दाल चावल बनाते हैं, चावल रोजाना इस्तेमाल करते हैं, वही चावल हम लिए हैं। और सबसे पहले इनमें से कंकड़ पत्थर और जो इसमें गंदगी होती है सभी को निकाल के साफ करके हमें चावल को धो लेना है। यहाँ पे हम लगभग 1 किलो चावल लिए हैं, 1 किलो चावल में आप देखना कितना अनारसा होता है। तो सबसे पहले चावल को अच्छे से 3-4 बार धो लेना है, इसमें से जो गंदगी है सब निकल जाती है। तो चावल को हम 2 से 3 बार धो लिए हैं, अब इसमें पानी डाल के भिगो के रख देंगे। 12-12 घंटे पे इसका जो पानी है इसे निकाल के ताज़ा पानी, फ्रेश पानी से इसका पानी बदलते रहना है। अगर एक ही पानी में पड़ा रहेगा तो इसमें से स्मेल आने लगेगी, महक आने लगेगा, चावल जो है महक जाएगा। और ढक के इसे रख दीजिए, किसी ऐसे बर्तन से ढक के रखें ताकि इसमें हवा जाए, जैसे जालीदार बर्तन हो, हल्का फुल्का उसमें छेद हो, ढक्कन से ढक रहे हैं तो थोड़ा सा आजू बाजू से हवा जाना चाहिए। तो इसे हम ढक के इस तरह से रख देते हैं और 12-12 घंटे पे इसका पानी चेंज करते जाएंगे, और इस चावल को हम 2 दिन और 2 रात के लिए भिगो के ऐसे ही रखेंगे, पानी चेंज करते जाएंगे बराबर। पानी नहीं चेंज करेंगे तो चावल में महक आ जाएगी और अनारसा जो है आपका स्वादिष्ट नहीं बनेगा, और जितना अच्छा फूला रहता है उतना बढ़िया अनारसा बन के तैयार होता है। इसे हम ऐसे ही भिगो के रख देंगे, पानी चेंज करते जाएंगे, हम मिलते हैं 2 दिन बाद। तो 2 दिन 2 रात बीत चुके हैं, चावल भीग चुका है, फूल गया है बहुत ही बढ़िया। जो इसमें पानी है इसे हम एक बार निकाल देते हैं और देखिए चावल कितना साफ हो गया है और बहुत ही बढ़िया फूला है। अगर चावल अच्छे से नहीं फूला रहता है तो हम 1 दिन 1 रात के लिए और भिगो सकते हैं, पर पानी बराबर चेंज करते रहना ताकि इसमें से स्मेल ना आए, महक ना आए। तो देखिए चावल इस तरह से करिए और ये टूट रहा है, देखिए किस तरह से यहाँ मैश हो रहा है। तो एक बार स्वच्छ पानी से हम इसे धो लेते हैं, स्वच्छ और साफ ताजे पानी से हम धो लेते हैं इसे, इसे एक बार चला के अच्छे से हमें धो लेना है ताजे पानी से। तो चावल धो के चावल का पानी हम निकाल दिए हैं बाहर, अब यहाँ पे हम चावल फैलाएंगे सूखने के लिए। तो चावल हमें इस तरह से किसी छन्नी में ले लेना है और इसका पानी इस तरह से निकाल देना है, जब पानी पूरा निकल जाए तभी हमें इसे फैलाना है। पानी निकलने के बाद आप फैलाएंगे तो लगभग आधे घंटे इसे सुखाना पड़ता है, और धूप में नहीं सुखाना चाहिए, छांव में सुखाएं, हवा में, चाहे पंखे के नीचे, चाहे बाहर कहीं हवा में सुखाएं, पर धूप ना लगने पाए। तो लगभग आधे घंटे तक बस सुखाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, और किसी सूती कपड़े पर सुखाएंगे तो जो इसमें पानी रहेगा वो सोख लेगा और चावल आपका बहुत ही जल्दी सूख के तैयार होगा। ज़्यादा नहीं सुखाना है, बस पानी भर इसका सुखाना है, पानी ना हो चावल में बस। अब इसे इस तरह से हमें पतले से फैलाना है, एकदम पतला, जितना हो सके उतना पतला फैलाएं ताकि अच्छे से आधे घंटे में सूख के तैयार हो जाए।
ध्यान रखिए धूप में इसे नहीं सुखाना है चावल को, इन्हें छांव में ही सुखाना है हवा के द्वारा। अब इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए, पानी जब सूख जाएगा तब इसे हम उठाएंगे। आधा पौना घंटा तक बीत चुके हैं और चावल बहुत ही बढ़िया सूख गया है। देखिए इस तरह से कितना बढ़िया सूख गया है, एकदम भरहर चावल है, पानी की शिकायत इसमें थोड़ी सी भी नहीं है। इसे हम इकट्ठा कर लिए हैं, अब इसे हम पीस लेते हैं। तो सिलबट्टे पे थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि हम चीनी भी पीसेंगे, चावल पीसेंगे, तो हम मिक्सर ग्राइंडर से पीस के तैयार करते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा चावल लेके हम पीस लेते हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया पीस लिए हैं और इस तरह से हमें पीस लेना है। देखिए कितना अच्छा आटा इसका पीस के तैयार है। तो इसे हम छन्नी से छान लेते हैं, ऐसे पीसते जाएंगे और छन्नी से हम छानते जाएंगे। तो इसी प्रकार पूरा चावल हम पीस के तैयार कर लेते हैं, पीसते जाएंगे और छन्नी से छानते जाएंगे। तो देखिए हम सभी चावल पीस चुके हैं और इतना दरदरा बचा हुआ है छन्नी से जो छाने हुए हैं। तो इसे हम ग्राइंडर मिक्सर में ले लेते हैं और इसके साथ पीसेंगे चीनी। चीनी की मात्रा हम बता देते हैं इसमें कितना मीठा पड़ेगा। 1 किलो चावल में 3 पाव चीनी पड़ेगा। अगर 4 कटोरी आप चावल लिए हैं तो 3 कटोरी चीनी भी चाहिए होगा। तो इसी मेजरमेंट से हम यहाँ लिए हैं। तो चलते हैं चीनी को भी हम पीस लेते हैं। चीनी को भी पीसते जाएंगे और छन्नी से हम छानते जाएंगे। ऐसी चावल में हमें मिक्स करना है चीनी को। तो देखिए छन्नी से छानने के बाद इतना निकला हुआ है, तो हम अगली बार इसे पीस के ऐसे तैयार कर लेते हैं। तो इसी प्रकार सभी चीनी पीस के छन्नी से छान लेते हैं। तो चावल पूरा पीस लिए हैं और चावल का आटा थोड़ा सा निकाल के अलग हम रख देंगे अनारसा बनाने के लिए। जो चीनी पीसे हुए हैं चीनी भी इसमें हम मिला लिए हैं। इसे हम अच्छे से चावल और चीनी को मिक्स करेंगे। ये आटा जब निकालना हो तो इसमें चीनी ना मिलाएं, उसके पहले ही निकाल लें, उसके बाद इसमें पूरा चीनी मिक्स करिए। हाथों से हमें अच्छे से मैश कर लेना है ताकि पूरा आटा और जो चीनी पीसा हुआ है तो अच्छे से मिक्स हो। अनारसा बनाने में बहुत ही बढ़िया लगे, खाने में भी। पूरा हम अच्छे से मिक्स कर चुके हैं। आप चाहें तो इसकी जो है इस तरह से लड्डू के जैसा ऐसे बना दीजिए, देखिए कितना बढ़िया बन रहा है। और नहीं तो इसी में हम ऐसे चीनी मिक्स करके हमें इसे ऐसे ही रख देना है सेट होने के लिए, ताकि मीठा अच्छे से कवर कर ले चावल। अब इसे हम ऐसे ही ढक के रख देते हैं 5-6 घंटे के लिए। सात आठ घंटे बीत चुके हैं। गीला है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम सूखा आटा रख दिए थे पहले से, आप लोग भी रख देना। कितना बढ़िया एकदम नरम हो गया है और बहुत ही बढ़िया ये फूल भी गया है। चीनी और आटा एक में मिक्स हो गया है, सेट हो गया है, बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। आप इसे चाहें तो एक दिन एक रात के लिए भी चीनी और आटा मिक्स करके रख सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया बहुत ही बेहतर रिजल्ट आता है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध उबला हो ठंडा हो जैसा हो आप थोड़ा सा ले लीजिए, ज़्यादा नहीं इसमें लगेगा, बहुत ही कम मात्रा में लगेगा। यहाँ देखिए हम लगभग 2 चम्मच दूध लिए हैं, तो थोड़ा सा हम डालेंगे, बहुत ही कम, 1 चम्मच के लगभग हम दूध इसमें मिलाएंगे। और थोड़ा थोड़ा ही दूध हमें मिलाना है क्योंकि चीनी है, थोड़ा सा भी दूध पाएगा तो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा ही इसमें मिक्स करना है। 2-3 दिन चावल भिगाने से थोड़ा सा चावल की महक होती है भिगाने से, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी इलायची आप डाल देंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पे हम 3 से 4 इलायची पीसे हुए हैं, तो इलायची का पाउडर हम डालेंगे थोड़ा सा छन्नी से छान के। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें छान लेना है। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दूध थोड़ा सा और लगेगा, 1 चम्मच हम दूध डाले हैं सिर्फ, आधा चम्मच और ले लेते हैं।
तो इलायची पाउडर मिक्स करके इसे अच्छे से हम गूंथ लेते हैं, जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं। बहुत ही बढ़िया आटा देखिए तैयार हो गया है। इसे अब हम रख देते हैं ढक के, और इधर हम आग जला लिए हैं। तेल घी जो आप जिसमें बनाना चाहते हैं उसे हम रख देंगे गर्म होने के लिए। यहाँ पे हम घी लिए हुए हैं, घी डालेंगे और थोड़ा सा रिफाइंड। तो तेल और घी हम रख दिए हैं गरम होने के लिए। जब तक तेल घी गरम होगा तब तक हम अनारसा के लिए लोई तैयार कर लेते हैं। बाहर बैठे हैं तो मक्खियाँ थोड़ा सा ज्यादा आ रही हैं, तो इसलिए हम ढके हुए हैं, और हमें ढके भी रहना है, नहीं तो मक्खियाँ बैठ जाती हैं बार बार। तो थोड़ा सा हाथों में हम तेल लगाएंगे इस तरह से, हाथों में अच्छे से तेल लगा रहेगा तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया लोई बन जाती है। अब इस तरह से हम थोड़ी छोटी छोटी लोइयां लेंगे इस तरह से, इतनी बड़ी बड़ी, और ऐसे हम गोल गोल अनारसे का शेप दे के ऐसे रखते जाएंगे। बहुत ही कम सामग्री में अनारसा घर पे बन जाती है, बहुत ही बढ़िया और ताजा अनारसा बनाएं खाएं। तो देखिए इस तरह से हम छोटी छोटी लोइयां बना के चकई का रूप दे रहे हैं अनारसा का, इसी तरह से हमें बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम सूखा आटा भी लिए हैं, चावल का आटा है यहाँ पे, और ये थोड़ा सा गेहूं का आटा है, और यहाँ पे थोड़ा सा तेल है। तो हम तेल के द्वारा बनाएंगे और सूखे आटे के द्वारा, दोनों तरह से आपको बनाना बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक लोई लेंगे इस तरह से चकई, और आप इसे सूखे आटे में बनाना चाहते हैं तो इस तरह से हम थोड़ा सा चावल का आटा यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इस तरह से हम चावल का आटा लगा लेंगे, और थोड़ा सा गेहूं का आटा हल्का सा लगाएंगे, और चावल के आटे में इस तरह से बोर के और हमें ऐसे बढ़ा लेना है। आप चाहें तो बेलन से हल्का सा इसमें हम बेलेंगे, बस इतना ही हमें बेलना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए सूखे आटे से भी आप इस तरह से बना सकते हैं। तो आप चाहें तो इस पे खसखस लगाइए, या रवा लगा दीजिए, सूजी या तिल लगाइए, तो हम कुछ नहीं लगाएंगे, एकदम सादा बनाएंगे। अब इसमें एक दो जगह छेड़ इस तरह से कर देना है उंगली की सहायता से, जिस तरह से वो अनारसे में होता है। तो तेल गरम हो गया है, इसे अब हम चेक कर लेते हैं। एक लोई छोटी सी बना के अनारसा हल्का सा पतला कर लेंगे, इतना मोटा हमें चाहिए। तो हम तेल चेक कर लेते हैं, तेल में छोड़ने के बाद उसे हमें छूना नहीं है। देखिए अनारसा जब नीचे से पक गया है तो खुद ब खुद ऊपर आ गया है। अब इसे हम पौनी से इस तरह से दबा देंगे एक बार, और इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए तेल एकदम परफेक्ट है। अगर तेल अच्छे से नहीं गर्म रहेगा, अगर आप अनारसा बनाएंगे तो आपका अनारसा फट जाएगा, छितराएगा, चारों तरफ से अच्छा से नहीं बनेगा, बिखरा बिखरा जैसा बनेगा अनारसा। तो आप लोग तेल का भी ध्यान देना है, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, तेल हो या घी हो जो भी हो अच्छे से गर्म हो, और तब मीडियम आँच करके तब इसमें आप अनारसा बनाइए। और तेल अच्छे से गर्म नहीं रहेगा तो आपका बिगड़ेगा जरूर, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो देखिए यहाँ हम एक अनारसा बनाए हुए हैं, तो इन्हें हम तेल में इस तरह से डाल देंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तो आंच को हम धीमी कर देंगे और अच्छे से इसे पकने देंगे, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन हो जाए तब इसे हमें निकालना है। एक बार इसे हम इस तरह से हल्का तेल में डुबाएंगे, और जब इस तरह से हल्का सा ब्राउन हो तब हमें निकाल लेना है, और इस तरह से किनारे करके तेल पूरा निकाल लेना है। तो जब भी अनारसा गर्म है तो वो थोड़ा थोड़ा नरम रहता है। अभी देखिए कितना नरम है, अभी जब ठंडा हो जाएगा तो ये बहुत ही टाइट हो जाता है, खूब अच्छा एकदम अनारसा बन जाता है। तो देखिए ये पैथन द्वारा हम बनाए हुए हैं सूखे आटे में, तो इस तरह से अनारसा है। दोनों तरफ देखिए, इस तरफ भी कितना बढ़िया बन के तैयार है, और इस तरफ भी, दोनों तरफ बिना पलटे अनारसा हमें सेकना है। तो इस तरह से हम अनारसा बना लेते हैं। अनारसे में एक दो जगह इस तरह से छेड़ कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया पक जाती है। तेल में छोड़ने के बाद अनारसा हमें छूना नहीं है। देखिए कितना बढ़िया ऊपर आ जा रहा है, जब नीचे पक जाती है अच्छे से सीझ जाती है तो खुद ब खुद ऊपर आ जाती है। तो कुछ सेकेंड हम इसे ऐसे दबा के इसमें पका लेंगे ताकि ऊपर का भी बहुत ही बढ़िया सीख जाए। तो देखिए दोनों तरफ अनारसा बन के तैयार है।
तो देखिए ये अनारसा हम सूखे आटे से तैयार किए हुए हैं बेलन और चौका के मदद से। अब यहाँ पे हम तेल के द्वारा बनाएंगे, तो इस चकई में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और यहाँ पे एक हम लेंगे पैथलीन। तो देखिए इस तरह से हम दोनों तरफ तेल लगाए हुए हैं और पैथलीन को इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ पे एक लोटा लिए हैं, तो लोटा से हम थोड़ा सा दबाएंगे, जिस तरह से हम पापड़ बनाते हैं सेम वही तरीका इसमें अपनाना है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया अनारसा बन के तैयार हो जाती है। आप चाहें तो इसमें छेद करिए, इस तरह से अंगुली की मदद से थोड़ा सा इस तरह से निशान कर दीजिए, और चाहे तो ऐसे ही बनाइए। तो हम एक में निशान कर दिए हैं, अब एक और बनाएंगे तो उसमें बिना निशान के। अब इसे हम तेल में इस तरह से छोड़ देते हैं और धीमी आंच पे हम पकने देंगे। जब अनारसा ऊपर आ जाए तो उसे थोड़ा सा हमें दबा के इस तरह से तेल में कर देना है, ताकि दोनों तरफ अच्छे से सिक जाए। अनारसा को बिना पलटे हमें इस तरह से पकाना है, पलटना नहीं है। तो इस तरह से देखिए अनारसा सिक जाती है, थोड़ा थोड़ा इस तरह सफ़ेद ही रहना चाहिए, हल्का हल्का ब्राउन हो तभी इसे हमें निकाल लेना है। और इस तरह से तेल निकल जाए तो एक जालीदार बर्तन में हमें रखना है, ताकि इसका जो तेल है तेल निकल जाए किसी दूसरे थाली में, क्योंकि अनारसा में बहुत ही ज़्यादा तेल होता है, सोख लेता है। तो अब इसका तेल निकल जाएगा और थोड़ा सा अनारसा ठंडा हो जाएगा, तो ये देखिए कितना टाइट हो जाता है। ये वाला अनारसा देखिए बहुत ही टाइट हो गया है, अभी ये गर्म है तो ये बहुत ही नरम है देखिए। तो इस तरह से हम सभी अनारसा बना लेते हैं। और ध्यान रहे इसमें आप जब छेद कर देंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छे से पक जाती है और अनारसा खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए चार जगह पांच जगह हम छेद इस तरह से अंगुली की सहायता से कर लिए हैं। और इधर आप लोग जरूर इन बातों का ध्यान दें, अगर एकदम स्लो आंच पे बनाएंगे तब भी अच्छे से अनारसा नहीं बन पाएगा, तेज आंच पे बनाएंगे तब भी अनारसा अच्छे से नहीं बन पाएगा। मीडियम आंच पे आप अनारसा बनाइए तो बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा से बन जाती है, और उसका रिजल्ट भी देखिए कितना बढ़िया अनारसा हम बनाए हैं। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही बढ़िया बन जाएगा एकदम बाजार जैसा। ये सब जो अनारसा हम बनाए हैं तेल लगा के बनाए हैं, तो इस तरह से है चिकना चिकना बहुत ही बढ़िया। और ये जो है थोड़ा सा आप देख रहे हैं वाइट वाइट दिख रहा है, तो ये हम पैथन लगा के बनाए हैं। तो अगर पैथन लगा के बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, तो हम बिना पैथन के बना रहे हैं तेल के द्वारा। आपको दोनों बता दिए, आपको ये वाला पसंद है तो इस तरह से बनाएं, ये वाला पसंद है तो इस तरह से बनाएं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। और सबसे खास बात है, थोड़ा सा अनारसा जब पक जाए तो उसे इस तरह से दबा के ही सेकना है, तो बहुत ही बढ़िया अनारसा सेट हो जाता है और बहुत ही अच्छे से पक जाता है। और कुछ आप बनाते बनाते देखेंगे तो कलछल में इस तरह से लग जाता है, दबाते दबाते हल्का फुल्का लग जाता है, उससे आप घबराए नहीं, बहुत ही बढ़िया सेट हो जाता है और पक भी जाता है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। अब दो बर्तन लीजिए, एक इस तरह से चिमटा लीजिए छोटा सा, और आप इसे इस तरह से निकाल लें। तो निकाल के इस तरह से रख देंगे तो जब ठंडा हो जाएगा तो टाइट हो जाएगा और इसमें से जो तेल है तेल भी निकल जाएगा। तो अगर आपका स्टील का बर्तन नहीं है तो आजकल लकड़ी का डिलई जैसा होता है, दौरी जैसा होता है, उसमें भी सांस होता है, तो आप उसमें भी रख सकते हैं, ताकि इसका तेल जो है निकल के दूसरे बर्तन में आ जाए बाहर। तो यहाँ देखिए नीचे हम एक बर्तन रखे हैं, उसी में इसे रखे हैं, तो इसी में हम सभी अनारसा बना के रख लेते हैं। तो हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं क्योंकि बारिश भी होने वाली है, और इस सावन के महीने में ही अनारसा मिलता है बाजार में भी, और हम लोगों के गांव में तो घर पे लेके आते हैं, गाड़ी से साइकिल से बेचते हैं। तो जिनके यहाँ नहीं बन पाता है तो लोग खरीदते हैं, हम लोग तो घर पर ही कई परिवार हैं तो बना बना के खाते हैं। ताज़ा और टेस्ट अच्छा हो और ताज़ा हो अनारसा तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप लोग भी थोड़े से सामग्री में, इसमें ज़्यादा कुछ पड़ता नहीं है, बस चीनी और चावल से बन जाती है, बस इससे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, तो बहुत ही आसानी से बन जाती है। आप लोग इन सब बातों का ध्यान दे के बनाइए और कम खर्च में ज़्यादा अनारसा पाइए। तो इसी प्रकार हम सभी अनारसा बना लेते हैं। और हमारे अनारसा का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। फेसबुक पर जो लोग देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए।
और तब तक हम पूरा अनरसा बना के मिलते हैं आपसे। तो देखिए सभी अनरसा हम बना चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही परफेक्ट बना हुआ है। और ऐसे ही हम लोग घर पे बनाते हैं, खाते हैं, तो आज सोचे कि आप लोगों के सामने भी शेयर कर दे, ताकि आप लोग भी इस तरह से बनाइए, खाइए। जो आप बाजार में खरीदने के लिए तरसते हैं कि अब मौसम आए तभी हम बाजार में कोई कहीं बिक रहा हो तभी लें, तो आपका अगर मन करे तो आप लोग थोड़े से ही सामग्री में घर पे बनाएं और एकदम टेस्टी ताजा अनरसा बना के खाएं, अपने परिवार को खिलाएं। तो देखिए 1 किलो चावल में हम इतना अनरसा बनाए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार है। तो इसमें से कुछ अनरसे घर के सदस्य सभी खा चुके हैं, हम बनाते थे तो गर्मा गर्म सब लोग मांग मांग के खाए। लगभग 10-12 अनरसा खत्म हो चुका है, बाकी के सब अनरसा यहाँ पे है। तो 1 किलो चावल और 3 पाव चीनी से हम बनाए हैं। आपको अगर मीठा कम खाना है तो आप 2 पाव या 2.5 पाव इस 1 किलो चावल में डाल सकते हैं। इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए अनरसा बनाएंगे, जिस तरह से हम आपके सामने शेयर किए हैं, आप इन सभी बातों को फॉलो कीजिए और ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और उन्हें अच्छे से बनाइए, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है। तो इसी तरह से आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।